है, दसवीं की परीक्षा है, बारहवीं की परीक्षा है, ईडी भी एक परीक्षा है। और ये मान लीजिए आप, ये जो परीक्षा है ये डेमोक्रेसी की परीक्षा है। डेमोक्रेसी में सोचिए ये परीक्षा हो रही है, और इस तरह सरकारें हमेशा करती आई हैं। जो सरकार ताकतवर है, आज उत्तर प्रदेश में देख लो, लेखपाल, तहसीलदार, एसडीएम मिल जाए आपके घर को गिरा देंगे, आज किसी की भी जमीन किसी के नाम पे चढ़ा देंगे। आप एक ऐसो से संबंध अच्छे हो, आप पे कुछ मामला अच्छा हो, मिठाई ठीक दे दें, आप किसी पे मुकदमा लिखवा दीजिए। ये ईडी की परंपरा, जिस तरीके से पॉलिटिकल लोगों को हरेस किया जा रहा है, ये संस्कृति बंद होनी चाहिए। अगर कभी कांग्रेस ने की है तो बीजेपी को उसका उदाहरण नहीं बनाना चाहिए। अगर कांग्रेस की सरकार में कोई गलतियां हुई हैं तो बीजेपी को उसका उदाहरण नहीं बनना चाहिए। और ऐसे तो ईडी किसी की भी जांच हो जाएगी। बीजेपी तो बताती है सर, नैतिकता की पार्टी है, नैतिकता वाली पार्टी है सर बीजेपी, बताती है। इनको एक नैतिकता के लिए सलाहकार अपॉइंट